एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ हम आने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे कॉलर जो कि आर्मी में है, उन्होंने हमसे पूछा कि आप पीएफ के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताएं, क्योंकि पीएफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है सबके लिए, जो भी एक सैलरी क्लास है या नॉन सैलरी क्लास है, उन सबके लिए पीएफ आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। वो आप टैक्स सेविंग पर्पज से भी कह सकते हैं, साथ के साथ लोगों को पीएफ के बारे में अभी भी बहुत तरह की कंफ्यूजन है, उनको टैक्स को लेके, विड्रॉ को लेके, इन केस ऑफ एनआरआई तो कैसे होगा, माइनर है तो कैसे होगा, अगर कोई दो अकाउंट ओपन कर रहा है तो क्या होगा, यानी कि बहुत तरह की कंफ्यूजन है। तो आज इस पूरे टॉपिक, इस पूरे वीडियो में मैं केवल केवल पीएफ पे बात करने वाला हूं कि पीएफ पे टैक्सेशन क्या है, टैक्स कैसे लगता है या एग्जेम्प्टेड है, उसको विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, 15 साल की मैच्योरिटी के बाद क्या उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आखिर पीएफ है क्या। अगर आप इसको टेक्निकली देखें तो गवर्नमेंट के द्वारा एक रन करने वाला लॉन्ग टर्म डेट स्कीम है, यानी कि डेट का मतलब यह है कि इस पर एक फिक्स रेट जो कि 7.6 है, गवर्नमेंट ने अभी नोटिफाई कर रखा है कि आपको 7.6% अगर आप इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाते हैं तो आपको फिक्स मिलेगा, साथ के साथ इस पे कोई टैक्स नहीं है। सही सुना, आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं वो तो टैक्स फ्री है, अगर आप इंटरेस्ट उससे कमा रहे हैं वो भी टैक्स फ्री है। तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको कि ये कहीं भी टैक्सेबल नहीं, इसका एक टेन्योर होता है, अगर उस टेन्योर के पहले आप करते तब प्रॉब्लम है, अदरवाइज ये टैक्स फ्री है। तो चलिए पहले बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट कि ओपन कैसे होगा। देखिए, ओपन करने के लिए अगर सबसे आसान देखें तो SBI आज की डेट में इस पूरे स्कीम को रन कर रहा है और सारी चीज़ें यही कर रहा है। तो SBI या कोई भी गवर्नमेंट जो नेशनलाइज्ड बैंक आप कह सकते हैं, सारे NPS अकाउंट, आपके PPF अकाउंट खोल सकते हैं। PPF अकाउंट खोलने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप ऑनलाइन SBI की साइट पर जाएँ और वहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड करके आप इसको ईजिली, उसके कुछ KYC होते हैं, आप सबमिट कर दें अपने नियरेस्ट ब्रांच में, आपका PPF अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब बहुत से और भी एजेंसीज हैं जो कि PPF अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो ये बहुत ही आसान है, आप आराम से खोल सकते हैं। एक चीज़ अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप PPF की साइट पे जाकर वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से बैंक PPF के साथ लिस्ट है, क्योंकि सब कोई PPF अकाउंट नहीं खोल सकता, ये आप समझ लें। ऐसा नहीं कि आप जिस बैंक में जाएंगे PPF अकाउंट होगा, नेशनलाइज बैंक के केस में जनरली सबके साथ है, SBI तो मेन है ही और प्राइवेट बैंक भी कुछ हैं, लेकिन आपको एक बार लिस्ट PPF की साइट पर जाके चेक कर लेना चाहिए कि कौन कौन से बैंक हैं। अब बात करते हैं कि कौन ये अकाउंट ओपन कर सकता, कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो सैलरी क्लास का हो या वो अपना बिजनेस रन करता हो या कोई हाउस होल्ड हो, कोई भी जो कि रेसिडेंट है, ये बात समझ लें, ये केवल केवल रेसिडेंट के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई NRI अकाउंट को ओपन कर सकता, अभी हम NRI पे भी बात करेंगे। तो कोई भी रेसिडेंट ये अकाउंट ओपन कर सकता है। अब बात करते हैं कि कौन ये अकाउंट ओपन नहीं कर सकता है। तो देखिए, पहली चीज़ कि कोई NRI अकाउंट PPF का ओपन नहीं कर सकता, लेकिन हमारे देश में ना बहुत IT कंपनी है जो कि फ्रिक्वेंटली इंडियन लोगों को बाहर भेजते रहते हैं, कह सकते हैं कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सारे IT कंपनी में और भी अदर कंपनी, बट IT कंपनीज का मेजर एक रोल खेलती हैं। तो अब क्या हुआ कि कोई बंदा जो कि अभी दिल्ली में था, बैंगलोर में था, मुंबई में था और रेसिडेंट था, लेकिन किसी प्रोजेक्ट या काम की वजह से वो आउटसाइड इंडिया चला गया और उसका स्टेटस चेंज हो गया। तो देखिए, दो कंडीशन है यहाँ पर, एक बंदा जो कि NRI था और वो अकाउंट ओपन करना चाहता है तो वो नहीं होगा। अगर आपने कर दिया है तो आप इसको तुरंत बंद कर दें, अदरवाइज जिस दिन आप डिपार्टमेंट की नोटिस में आएंगे आपको परेशानी हो सकती है, तो इमीडिएट उस अकाउंट को क्लोज कर दें, उसको कैरी ना करें। अब दूसरा कंडीशन वो कि जो पहले रेसिडेंट था और बाद में NRI हुआ और जब वो रेसिडेंट था तभी PPF अकाउंट उसने ओपन किया, उनको कोई परेशानी नहीं है, वो अपने अकाउंट को रन कर सकते हैं। सही सुना, कि जो रेसिडेंट है और अपने इंडियन रेसिडेंट के टाइम में ही PPF अकाउंट खोल रखा है, वो उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं, उन्हें बंद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनको भी एक सजेशन है, देखिए, आप जब भी पैसा ट्रांसफ़र करें या तो NRE अकाउंट से या NRO अकाउंट से ट्रांसफ़र करें, कोई दूसरे अकाउंट से ट्रांसफ़र ना करें, अदरवाइज आपके लिए परेशानी हो सकता है। दूसरा, वो डिपॉजिट भी नहीं हो पाएगा, आपको ट्रांसफ़र करने के दो ही ऑप्शन हैं, इसी दो के थ्रू आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप कितना PPF अकाउंट रख सकते हैं। जनरली रहता है कि मैंने तो दो PPF अकाउंट पर, देखिए, आपको केवल केवल एक PPF अकाउंट अलाउड, एक केवल एक। अगर आपने एक से ज़्यादा PPF अकाउंट खोल रखा है तो उसको इमीडिएट क्लोज कर दें, ये आपके लिए अच्छा होगा। क्यों?
ये भी मैं बताता हूँ कि आज के डेट में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है जिसको हम टैक्समैन बोलते हैं वो बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। उनके पास जो डेटा एनालिटिक सिस्टम अभी वो BI और बहुत तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करना स्टार्ट किया। अगर आप हमारे कुछ पीछे वीडियो में जाएंगे तो वहाँ पे हमने इसके बारे में बहुत बात की है। एक हमारा वीडियो है कि इंडिया इज नो मोर फॉर अनचार्टेड टेरिटरी, यानी कि अगर आप गलती करने वाले हैं या गलती कर रहे हैं कुछ भी, तो अब डिपार्टमेंट के पास बहुत तरह के रिसोर्स हैं जिसको वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है। तो आपको इससे बचना होगा और आप इसको इमीडिएट बंद कर दें। दूसरी बात, आप ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकते। माइनर के केस की हम अलग बात करें, आप ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकते। अब बात करते हैं कि क्या मिनिमम डिपॉजिट है, क्या मैक्सिमम डिपॉजिट है और कितनी बार डिपॉजिट कर सकते हैं। तो देखिए, मिनिमम डिपॉजिट 500 है, ये तो आपको साल में करना ही करेगा, और 1.5 लाख की मैक्सिमम सीलिंग, और ये 100 के मल्टीप्लायर में जमा होगा, यानी कि 1000-2000, मिनिमम 500 तो करना ही करना, 1000-2000, 100-200 इस तरह के मल्टीप्लाइंग में होंगे। और आप पूरे साल में 12 बार से ज़्यादा जमा नहीं कर सकते, यानी कि आप मंथली 12 बार कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और जो इंटरेस्ट रेट है 7.6 का, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता रखा था। अब पेमेंट कैसे करें, ये भी एक क्वेश्चन रहता है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो PPF में जमा करने के लिए या तो RTGS, NEFT या DD और चेक। NEFT तो अभी पॉसिबल नहीं है, NEFT में दिक्कत होती है। आप चेक और DD सबसे आसान तरीका जिसको आप पेमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा कोई मोड नहीं है। आप कैश डिपॉजिट भी करने जाते हैं तो बहुत जगह ले भी जाता है, बहुत जगह नहीं ले जाता, डिपेंड करता है कि ब्रांच टू ब्रांच। अब बात करते हैं कि अगर जनरली क्या होता है कि मार्च के महीने में ना आपको याद आता है डिपॉजिट करना, वो भी लास्ट टाइम जबकि आपका TDS कटने वाला होता है। तो एक चीज समझ लें, PPF के केस में है, ये डिडक्शन तब आपको मिलता है जब ही आपके अकाउंट से डेबिट होता है। मतलब मैंने DD दे दिया लेकिन DD PPF के अकाउंट में अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है, तो जब तक क्रेडिट नहीं होगा आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और जनरली देखा गया है, हम लोग देखते हैं, ये तो हमेशा हमारे लिए बड़ा कॉमन रहता है कि सर मैंने तो मार्च में 29 तारीख को चेक जमा कर दिया बट मुझे क्लेम नहीं मिल पा रहा है। मैंने क्लेम तो मारने लेने की कोशिश कर रहा हूँ, होता क्या है कि चेक को वहाँ पे प्रोसेसिंग होते होते 4-5 दिन का टाइम लग जाता है, 4-5 दिन मिनिमम टाइम लगता है। यानी कि आप हमेशा इसकी प्री प्लानिंग करें, लास्ट टाइम में चेक और DD डिपॉजिट ना करें, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा, इस गलती से बचें। अब बात करते हैं इसका टेन्योर क्या है। तो देखिए, आप जो अमाउंट विड्रॉ, एक तो 15 साल का होता है और आप 15 साल के बाद कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो 5 ईयर्स के ब्लॉक में आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। 5 ईयर्स का ब्लॉक का मतलब यह है कि अब आप 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 साल का ब्लॉक का मतलब यह है कि 15 साल, फिर नेक्स्ट 5 ईयर, आप इसको इस तरह से 5 ईयर्स के ब्लॉक में आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर माइनर हो तो क्या होगा। देखिए, माइनर के केस में आप अकाउंट खोल सकते हैं, आप गार्जियन बन के खोल सकते हैं। पहले बात समझ लीजिए, गार्जियन वर्ड होता है, उसकी वजह से आप खोल सकते हैं। अब एक चीज़ पेरेंट ध्यान रखे, बहुत बार मैंने देखा है कि होता क्या है कि मदर ने भी खोल दिया, फादर ने भी खोल दिया। तो देखिए, इस तरह की गलतियाँ ना करें, आप इस तरह की कोई भी गलती ना करें जो कि आने वाले टाइम में आपके लिए सिरदर्द या परेशानी का आलम बने। हमारा पूरा एजेंडा यही है कि हम आपको वो चीज़ बताएं जो कि प्रॉब्लम के रीजंस क्रिएट करते हैं। देखिए, आप बहुत प्रोफेशनल के पास जाएंगे, कहेंगे सर पता ही नहीं चलता, टेंशन क्यों ले रहे। देखिए, जब तक पता नहीं चलता तब तक तो अच्छी बात है, तब तक तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जिस दिन पता चल जाता है ना, उस दिन आपको बहुत परेशानी हो सकती है, ये आप समझ लें। तो ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपकी परेशानी बढ़े। अब बात करते हैं कि लोन, PPF पे आप लोन भी ले सकते हैं, लोन के रेट काफ़ी कम है, और लोन लेने का जो सिस्टम होता है 3 ईयर्स के बाद ले सकते हैं, लेकिन जो ईयर स्टार्ट करते हैं उसको काउंट नहीं किया जाता है। यानी कि 3+4 का आप कॉन्सेप्ट समझ लें, 3 ईयर्स के बाद जो आपकी एक साल जो स्टार्ट किया उसको एक्सक्लूड करके आप ले सकते हैं, और जो ये लोन होता है वो बहुत सब्सिडाइज रेट पे होता है, तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम होता है, 2% और 6% होता है, 36 महीने और अलग अलग टेन्योर है। तो जब आप लोन के लिए जाएंगे तो आपको उसका बेनिफिट दिख जाएगा। अब इसका टैक्स बेनिफिट क्या है, तो पहला टैक्स बेनिफिट ये है कि आप ATC में इसका क्लेम लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है, आप ATC में इसका क्लेम ले, अगेन अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट हो चुका हो, ये नहीं कि मैंने चेक दे दिया या DD बनवा दिया,
आपके अकाउंट से पीपीएफ अकाउंट में डेबिट होना चाहिए, वहां पे क्रेडिट दिखे आपके अकाउंट में डेबिट हो जाए तभी ये बेनिफिट ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं देंगे। इंटरेस्ट भी इसका पूरा का पूरा फ्री है, तो कोई टेंशन नहीं है। अगर आपने पीपीएफ में पैसा लगाया तो आपका इंटरेस्ट भी फ्री है, कैपिटल भी फ्री है। ये एग्जम्प्टेड 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 कैटेगरी में आते हैं, यानी कि कहीं कोई टैक्सेशन नहीं है। अब बात करते हैं पीपीएफ विड्रॉ। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि पीपीएफ कब विड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, पीपीएफ विड्रॉ करने का जो तरीका है, अगर आपने 6 साल कंप्लीट कर लिया तो 7 ईयर ऑनवर्ड आप कर सकते हैं। पहली चीज, यानी कि 7वें साल में जाके आप इसका विड्रॉ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इसमें ना कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन ये होता है, अगर जब 7वें साल में, जब 6 साल प्लस 1 ईयर, मतलब कि 6 साल कंप्लीट होने के बाद 7वें साल में विड्रॉ कर सकते हैं, तो विड्रॉ का जो नियम है ना वो बहुत पेचीदा नियम है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है उसमें। कैलकुलेशन क्या है कि जो स्टार्टिंग के 4 ईयर्स के जो अमाउंट होगा उसका 50% ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यानी आपने 6 साल चलाया, 7वें साल में जाके आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो पैसा कितना विड्रॉ कर सकते हैं, स्टार्टिंग के 4 साल में आपने जितना पैसा जमा किया उसका 50%, उससे ज्यादा नहीं। साथ के साथ साल में एक बार ही पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप विड्रॉ नहीं कर सकते। ये नहीं सोचे कि आपने अभी 25% कर लिया, बाद में इसी साल फिर 25, वो नहीं हो पाएगा। साल में एक बार ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि विड्रॉ तो कर, लेकिन कैसे करेंगे विड्रॉ, क्या प्रोसीजर क्या है। तो इसके लिए क्या है कि फॉर्म सी होता है, वो हम नीचे जो कमेंट बॉक्स होगा जहाँ पे हमारी डिस्क्रिप्शन होगी वहाँ पे हम फॉर्म सी के लिंक भी डाल देंगे, जिससे आप देख सकते हैं कि फॉर्म सी में क्या है। फॉर्म सी में 3 कैटेगरी होते हैं, मतलब आप कह सकते, कैटेगरी नहीं कहूँगा, 3 ऑप्शंस होते हैं जिसमें काम करता है। पहला कहता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में क्या होता है कि आपको बताना होता है कि आपका पीएफ नंबर क्या था, आप कितना अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं, और आपका ये अकाउंट कितने सालों से ऑपरेटिव है। साथ के साथ रीजन क्या है कि आप पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है पीएफ में, वो बताना पड़ता है कि आपका रीजन क्या है। सेकंड कॉलम जो होता है ऑफिशियल्स के होते हैं, यानी कि जो ऑफिसर हुआ, कब से स्टार्ट हुआ, कितना स्टाफ्ड हुआ, कितना टेन्योर था, उसमें बहुत तरह के क्वेश्चन आयर होते हैं, वो फिल करना होता है। और जो थर्ड कैटेगरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बैंक डिटेल। जब भी आप विड्रॉ करने वाले हैं तो आप उसमें वो बैंक की डिटेल डालें जिस अकाउंट में आपको पैसा चाहिए। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो आज का हमारा पूरा जो टॉपिक था वो पीपीएफ पे, हमने कोशिश की कि पीपीएफ को कवर करें, उसके टैक्स पॉइंट को भी और उसके विड्रॉ पॉइंट को भी, साथ के साथ उसकी बेनिफिट क्या। अगर आपको कोई भी अभी भी कोई कंफ्यूजन रह गया हो या कोई क्वेश्चन छूट गया हो हमसे, आप कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट कर सकते हैं वो क्वेश्चन, हम उसको कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। साथ के साथ हम कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी दे देते हैं, तो उससे आपकी कोशिश रहती है कि क्वेरी सॉल्व हो जाए। तो आज का हमारा जो पूरा था वो पीएफ पे था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें। साथ के साथ एक चीज़ और है कि अब हम YouTube के अलावा